पाकिस्तान कैसा है? बहुत सुंदर है। है तो एक ही एरिया ना में। है तो एक ही, सही बात है। जिस है उसमें ऐसे इलाके भी है, अभी बलूचिस्तान को देखोगे ना तो वो बिल्कुल दुबई जैसे है, बिल्कुल रम वाले ये। वो इतना उसमें इतना ये सब्ज नहीं है मतलब। फिर ये बाकी जो हमारा एरिया देखोगे ना, पेशावर वगैरह ये इलाके, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने तो बाकी नहीं देखा। ये वीडियो में केरला हमने ज़्यादा देखा है, इंडिया का जो केरला का हाँ, केरला वो बहुत मतलब खूबसूरत सा है ना। अच्छा हाँ, उसमें ये ट्री वगैरह ये बहुत ज़्यादा हाँ, है ट्रीज बहुत है, बारिश बहुत हाँ ऐसे है। फिर अच्छे मतलब आए हो कभी इंडिया? नहीं आया नहीं, हमने टाइम आदमी लोगों के साथ गुजार रहे हैं, केरला वालों के साथ ज्यादा। यहाँ पे फिर वो लोग हम लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमारा गांव है, ये हमारा है। पहाड़ से मतलब कहाँ से नजदीक पड़ा? मतलब कुछ शहर या जैसे लाहौर है। आप कहाँ के हो? हम इंडिया। इंडिया के हो? नहीं हम तो अफगानिस्तान के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है। अफगानिस्तान से? पेशावर कोहाट की नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा जो बॉर्डर है, हम पे बॉर्डर पे खड़े हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल है ना जो इंडिया के साथ हमारा अटैच है। हाँ हाँ, हमारा है अफगानिस्तान के साथ। हमारा इंडिया का नाम है कुरम एजेंसी। उधर वो वाइट पहाड़ है जिधर बर्फ ज़्यादा होते हैं। जब मैं इधर आया एयरपोर्ट से लेकर इधर तक मेरे को कोई कुछ नहीं मिला सिवाय प्यार के, लोग मेरे साथ अच्छे अच्छे बातें करते। ये क्या है मैम? हमने बोला हम कोई दुश्मन तो नहीं है, बाकी ये लोग ऐसे। उस दिन इधर रेजेंट होटल है, उधर ये इंडिया वाले ज़्यादा आते हैं, वो ये मतलब उधर बड़ी बड़ी लोग ज़्यादा आते हैं जो इंडिया से। तो कुछ दिन पहले एक हस्बैंड वाइफ वो मेरे साथ बैठ गए, मेरे को कहते हैं भैया मीना बाजार लेके चलो मेरे को बैठो। तो वो जब मैं रास्ते में लेके जा रहा था तो वो मेरे को कहते हैं कि आप कहाँ से हो? मैं बोला मैं पाकिस्तान से। हो तुम पाकिस्तान से हो? तुम पाकिस्तानी हो? मैं बोला मैम क्या हो गया? नहीं नहीं तुम सच में पाकिस्तान? मैं बोला हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या हो गया? पाकिस्तान ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, पहली दफा मैं पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला मैम तुम पहले आए हो इससे पहले दुबई में? नहीं मैं पहले नहीं आई हूँ, तो इसलिए तो आप पहली दफा बात कर रहे हो ना। नहीं ये तो आप कितना अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप कितने अच्छे। मैं बोला मैम हम कोई वो तो नहीं, आप इधर पूरा टाइम गुजारोगे ना, ये हम लोगों को आपस में देखो कि हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं। मैंने बोला मैं 6-7 साल में इधर इंडियन लोगों के साथ रहा हूँ इधर, खुदा की कसम मैं अभी भी उनको पैसे इधर से भेजता हूँ, जब मैं मुल्क में था वो मेरे को पैसे भेजता था। मैं बोला हम नए से टाइम नहीं गुजारा है किधर? तो कहते हैं नहीं हम तो सोचते हैं ये पाकिस्तानी कैसे होंगे, ये कैसे होंगे। मैं बोला कुछ भी नहीं है। मैं बोला वो सारा सिस्टम उधर है, वो एक दूसरे के लिए वो हमारा जो गवर्नमेंट है वही चोर है, बाकी नहीं है, उसमें गलती है। सब अच्छा ही दिखता है, इसलिए अपने पाकिस्तान जाए। नहीं
आए थे ना अभी एक चाचा मिले थे हमें उन्होंने भी यही बात बोली आप बोल रहे हो ना फिर हम भी वही बोल रहे थे कि हमें तो पता ही है तो ये सब अभी क्या नहीं नहीं इधर वो सिस्टम नहीं है कसम से मैंने एक प्लेट में 6 साल खाया है उन लोगों के साथ खाया है पिया है और हमारा जो अरबाब था वो भी केरला का था तो वो भी इतना ज़बरदस्त आदमी था वो दिल का बहुत अच्छा था हम एक दूसरे का हक नहीं खाता था तो मैं अभी कभी कभी उसको फोन करता हूँ और उसका वाइफ देखो उसके बेटियाँ देखो मेरे साथ कि हम लोगों के साथ कितना अच्छा रिलेशन रखते हैं इधर एक एग्जिट जब आपको मिस करूंगी ना तो बहुत आगे से घुमा के आना पड़ता है इंडिया में तो ऐसा होता है कि मतलब कहीं से भी निकाल लो इधर हमारा भी ऐसा है जिधर से भी वो नो एंट्री हो एंट्री हो जो भी हो बस इंडिया में तो दुबई जैसे ड्राइविंग जैसे मतलब यहाँ उल्टा होता है ना इंडिया से तो मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही चलाते उल्टे ही आते सब सारी नजर रखनी पड़ती है यहाँ से पीछे इधर उधर पूरा मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा है ड्राइविंग का मतलब स्पीड सबसे एक जैसी होती है ब्रेक ज्यादा नहीं लगती कल मैं वही जब मैंने कार चलाई ना मैंने ब्रेक लगाई ना एकदम शॉर्ट ब्रेक लगी मैंने बोला ये क्या हो गया क्योंकि ब्रेक्स यहाँ पे यूज नहीं होती तो ब्रेक्स काफी अच्छी रहती है इसलिए इधर अभी ऐसा सिस्टम है कैमरा उधर कैमरा लगा हुआ है निशान के तौर पर आप अभी जो ड्राइवर है वो खाना खाएगा भी उसको कैमरा पकड़ेगा अच्छा खाना भी खाएगा तो भी कुछ खाएगा मतलब इधर वो रास्ते में कोई अच्छा ड्रिंक करेगा ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब ड्रिंक करेगा कोई पेप्सी पिएगा कोई कुछ खाएगा तो वो उसको कैमरा पकड़ेगा और बाकी ये साथ में जो आदमी होता है अगर उसने सीट बेल्ट नहीं बांधा हो उसको भी पकड़ता है बहुत ज़्यादा सिस्टम निकल गया है इंडिया में बस यही है कि बस ट्रैफिक नहीं है कोई फॉलो नहीं करता बस वो अगर यहाँ पे गाड़ी चलाएगा ना मतलब कहीं ना कहीं ठोक जाते हमारा खुद भी हमारा पाकिस्तान में देखो कि इतना ये रिक्शे है ना रिक्शा वाले हाँ रिक्शा अरे इतना ज्यादा है वो तो इंडिया में भी वही है रिक्शा वाले तो परेशान कर देते हैं इधर उधर से ट्रैफिक होता है हम कहते हैं इसमें कैसी गाड़ी चलाते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान वाले सेम है हमारा सेम है नहीं मैं वही बोल रहा हूँ सेम है एक जैसा ही कार चलाते इधर जब देखोगे ना इंडिया पाकिस्तान वाले जो होते हैं ना बिल्कुल बराबर है उसमें कोई फर्क नहीं है इसलिए हम वापस यहाँ पे आए क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें सारे मतलब मुल्क के पाकिस्तान ले लो कहीं से भी ले लो यूएस के ले लो सब नो एक साथ दिखते हम सबसे बातें ही करते रहते बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब तो पाकिस्तान रेस्टोरेंट से खाना भी खाया ये खाया मतलब अच्छा लगता है सबके साथ बात करो नो प्यार रहे तो अच्छा है कोई इधर एक बात है कोई आपको गलत मशवरा नहीं देता नहीं बहुत यहाँ पे तो आप अगर किसी से पूछोगे कि भैया ये जगह किधर है वो आपको गलत नहीं बताएगा गलत नहीं बताएगा सही है वो तो है हमने देखा इंडिया में जब आपको पहले गलत हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा है ये कसम से ये गाड़ी को इधर खड़ा कर लो 10 मिनट बाद आ जाओ ये गाड़ी नहीं होगी हाँ ऐसा सिस्टम 10 मिनट के बाद आपको ये गाड़ी नहीं मिलेगा मतलब पता नहीं है ये इसको कैसे निकालते इधर तू किधर भी आपने मेन रोड पे गाड़ी खड़ा कर लो सिर्फ पुलिस का प्रॉब्लम है बाकी कोई पार्किंग पेड पार्किंग और एक महीना बाद आ जाओ जिस पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ा है उसी पे मतलब हमारे इलाकों में मैं आपको अभी बता दूं कि हमारे खासकर ये लाहौर इस्लामाबाद ये जो बड़े बड़े शहर ये शहर हैं इसमें मतलब आप रात को बाहर नहीं घूम सकते आप घूम सकते हो लेकिन मतलब कोई महफूज नहीं है आज अच्छा हाँ ऐसा है इधर तो आप रात की 3 बजे जिधर जाते हो जाओ कोई मुश्किल नहीं है बहुत सारी अच्छी अच्छी सिटीज हैं हम रहते हैं गांधीनगर अहमदाबाद से थोड़ा नज़दीक है बहुत अच्छा है वहाँ पे घूमोगे बहुत अच्छा लगेगा ऐसा ही है जैसे आप रोड देखते हो बहुत क्लीन सब अच्छा है आना फ्यूचर में कभी हो ना तो गुजरात ज़रूर आना क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब जैसे बोला पाकिस्तान जैसा ही है सब कल्चर जैसे बोलते हैं ना से ऐसे जैसे डांस फेस्टिवल होता है नवरात्रि आप ऐसे देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा अभी इधर ये टैक्सी जितनी भी टैक्सी ड्राइवर हैं सिर्फ 2 कंट्री के हैं इंडिया पाकिस्तान हाँ वो बाकी आपको बहुत
कम मिले वगैरह ये वो काले वाले जो है उसको क्या मिलते जो गर्ड वगैरह वो बहुत कम मिलेगा वो सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि एकदम होता है ना उसकी सिक्योरिटी में उनको ये और दुबई ले लो और मुंबई ले लो वो ऐसा ही है मतलब जैसे यहाँ पे नाइट लाइफ ले लो रात को वहाँ पे भी आप घूमो बहुत अच्छा है इधर आपको पता है ज़्यादातर ये या लड़का होगी या लड़की होगी बाहर ये मतलब गार्डन में ऐसे सोते हैं ना उसको उसको कोई मोबाइल भी नहीं चाहिए हाँ वो तो सही मैं तो छोड़ इतने महफूज होते हैं ये एरिया ऐसा है लेकिन ये सिटी के अंदर हाँ। ये आउटसाइड देखो कि नहीं जिधर ये हमारे एशियन लोग ज़्यादा है हाँ। जो अकोमोडेशन में जो रहते हैं हाँ। उधर का जो सिस्टम है ना वो फिर हमारे इलाकों वाले जैसे उधर ही उधर एक बड़ा कैंप होता है ना बड़े बड़े मतलब बहुत हज़ारों उसमें गिनने होते हैं उसमें कैंप होते हैं हज़ारों हज़ारों लाख 50-60 हज़ार उसमें आदमी लोग होते हैं ये शेडो में होते हैं तो उधर का जो सिस्टम है आप गाड़ी में इधर मोबाइल रखोगे अगर वो बाहर से देखेगा तो वो शेड वाला शीशा तोड़ के इसमें निकालो गाड़ी को ऐसा मारते हैं बाकी रात को जब निकलोगे रात को निकलोगे जो लोग ड्रिंक करते हैं ना वो आपको नहीं छोड़ेंगे हाँ वो आपको नहीं छोड़ेंगे उधर का सिस्टम फिर भी सेम है इधर के इधर लेकिन इधर जो अंदर है ना ये अच्छा अलग से एक एक सिस्टम और है इधर जो पुलिस आपको आप देखोगे ना वो पुलिस इधर का बहुत जबरदस्त है ये लोग इतना अच्छा मशवरा देते हैं